अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ अभी ग्रॉसरी करने और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे करते हैं ग्रॉसरी और कौन कौन से स्टोर्स जाते हैं। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, पार्क करी थी उन्होंने गाड़ी। ओके, फिर मिलते हैं। तो पहले हम अपनी गाड़ी चार्ज करवा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो जगह है जहाँ गाड़ी चार्ज होती है और ऑटोमेटिक कार जो है वो, जैसे कि आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा उसमें शॉर्ट्स में कि हमारी, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है जो है वो गाड़ी खुद ही पार्क हो जाती है। तो अभी ऐसा ही हो रहा है, खुद ही पार्क हो रही है, आप देख सकते हैं। तो पहले गाड़ी चार्ज हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने आगे के स्टेप्स लेंगे, मतलब शॉपिंग भी आएंगे। अच्छा, तो अब हमारी हो गई है गाड़ी चार्ज, अब हम जा रहे हैं अपनी ग्रॉसरी करने। तो हमने जहाँ मैं जाती हूँ यूजुअली वो मैंने इसमें एड्रेस अपना वो किया हुआ है सेव, तो हम डालेंगे मीट बल्कि वो हमने फेवरेट्स में डाला हुआ है, फेवरेट्स में डाला हुआ है ना, ये रहा फेवरेट्स में, ये रहा। कितना बता रहा है, 11 मिनट्स बता रहा है। ओके चले, ये आ गया है हमारा डेस्टिनेशन मीट, इसका नाम है फैसल मार्केट, फैसल मार्केट भी है और 786 मार्केट भी कह सकते हैं, यस से भी जाना जाता है। पहले हमें बताया गया था फैसल मार्केट है, फिर जब हम आए हमने देखा कि यहाँ तो 786 लिखा हुआ है, फिर हमने अंदर जाके कंफर्म करा कि भाई आया ये वही है। ओके आए, ये हमारा रेगुलर स्टोर आ गया। नहीं ये अभी वो हो गई है, वायरल हो चुकी हैं। ओके, ऐसे मुझे लेना है पुलाव, पुलाव के गाया दिखा सकते हैं आप यहाँ पर, वो पुलाव बिरयानी का ऊपर रखा है, उठाने का जरा, कौन सा वाला, ये जी ये उठा, इसमें मुझे खोलना पड़ेगा ऑब्वियस, मुझे सारे नहीं चाहिए, तीन। ये पाकिस्तानी स्टोर है, पता है आप लोगों को। अच्छा हाँ, यहाँ पर पहले मैं जब आई थी ना यहाँ पर बड़ा परेशान हुई, वैसे आती थी ना मुझे पाकिस्तानी चीजें नहीं मिल रही। अच्छा, लेकिन फिर जो है जब मैंने इस स्टोर में कदम रखा तो आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे आपको सारे पाकिस्तानी आइटम्स इजीली मिल जाएंगे। तो आइए मेरे साथ आगे, और मुझे क्या लेना था, चिकन का बोलना है, चिकन I want 4 pounds chicken wings. ये क्या ले रही हैं? चिकन विंग्स। अच्छा, और उसके अलावा, और उसके अलावा तो होल चिकन लेनी है बस, मुझे बाकी मेरे पास है सामान। ये इनके रेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स हैं ये, आप देख सकते हैं। होल चिकन यहाँ क्योंकि पाउंड में होती है, वहाँ हमारे किलो में होती है, तो ये एक डिफरेंस है मेन, बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ रेट्स वगैरह हैं।
फैसल मार्केट फ्रीमोंट कैलिफोर्निया में आके आपको स्टोर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही लगता है कि आप बाहर मुल्क में रह रहे हैं। I want chicken wings 4 pounds and also whole chicken wings. Yeah. Chicken wings. Yep. Chicken wings. How many pounds? 4. And also one whole chicken. Medium cut or small cut? Yeah. Medium cut or small cut? Medium. Small cut. Small cut, please. Small cut is for curry. Curry for salad? Yes. Okay, yeah. For curry. Yeah. ये चिकन है, ये देख सकते हैं आप। थोड़े से और डालेंगे इसमें। Thank you. Okay, मुझे निहारी भी चाहिए, यहाँ पर चेक करूँ मैं निहारी मसाला। निहारी मसाला दिखाएं मुझे कहाँ पर है। हलीम कीमा कोफ्ता, ये मिल गई मुझे निहारी बहुत कोशिशों के बाद। दो ले लें, दो पैकेट। ओके थैंक यू। यहाँ मुझे चाहिए थी चीनी, वो मैंने ले ली है। और क्या है, पापे, पापे लेने थे। पापे कहाँ हैं भाई? ये रहे पापे। कौन से लूँगी मैं पापे? आई थिंक ये वाले सही हैं। ये पापे ले लेते हैं। और ये लेनी है मुझे। क्या वे डन हो गए आप? बस यहाँ से मुझे यही सारी चीज़ें लेनी थी, अब हम दूसरे स्टोर में जाएंगे। ओके आज मैं आपको तीन स्टोर विजिट कराऊंगी। ओके अब इसके बाद हम फूलबाग जाएंगे, फिर हम जाएंगे डॉलर ट्री। ओके स्पाइसी लेता सही है। तो अब जो है हम सारा सामान खरीदने लगे, सही है। ये जो है इनका टिकटॉक चैनल है और ये बहुत फेमस है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपके क्या है टिकटॉक चैनल का नाम? सैयद हमजा। सैयद हमजा के नाम से टिकटॉक का चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करें और उनको बताएं कि हमने आपको जो है भेजा है इनके चैनल पर। बाकी जो है 51. आप देख सकते हैं ये एक टैबलेट की तरह चीज़ है, इस पर आप सब कुछ पहले देख सकते हैं। आपको प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। तो देखते हैं मरियम क्या करती हैं अभी। ओके कर दूं? गो अहेड मरियम। ओके तो ये कैसे पेमेंट किया आपने, फोन के थ्रू किस तरह? कैश नहीं दिया आपने? ये क्यों नहीं दिया? ये ना डिजिटल दौर है, अब आपने वो करना होता है। तो कार्ड भी नहीं दिया आपने? ये क्या मतलब हुआ? मैंने, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी, इसमें उन्होंने एप्पल पे डाला है। तो आपने ये टैप, आपने बस टैप किया इसको? बस मैंने टैप किया और ये बस आला। अच्छा अच्छा, एक सही। तो ये टैप करें, टैप की तरह जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं? जी 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 हां। अच्छा 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 अच्छा, एक टैप पे। तो ये पैसे निकलते किसके हैं, मेरे या आपके? ओके अभी क्या प्लान है? चलें बस सामान रखते हैं, गाड़ी खोलते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं चलते हैं। चलें डालें ये। मैं जा रही हूँ फूड मैक्स, यहाँ से यूजुअली मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी लेती हूँ और मुझे यहाँ से अपने फ्रूट्स वगैरह लेने थे, कुछ हमारा क्लीनिंग आइटम ख़त्म हुआ हुआ था वो लेना था, मुझे पानी लेना था। पानी की बॉटल यूजुअली हम लोग जो है फिल करवाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने कहा कि अब दोबारा कौन आएगा, इसलिए इस वीक के लिए हम लोग ये वाली बॉटल्स ले लेते हैं। फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी पूरा स्टोर, सारे फ्रूट्स और सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं मोस्टली,
यहाँ आगे चल के मैंने ली स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी का मौसम है कि नहीं ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर अच्छी होती हैं, अच्छे साइज़ की होती हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एप्पल्स नज़र आएंगे जो थोड़े से खट्टे होते हैं, पाकिस्तानी हिसाब से मज़े के नहीं होते। मैं एप्पल की जगह यूजली यहाँ पे पेयर लेती हूँ। पेयर्स भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, मैं लेती हूँ ग्रीन कलर की, दो तीन दिन रख के जब वो येलो सी हो जाती हैं तो बड़ी मज़ेदार मीठी सी हो जाती हैं, तो वो मैं लेती हूँ, वो मुझे पसंद आई यहाँ पर। फिर उसके बाद आगे चल के मैंने ली मौसम्मी। मौसम्मी भी यहाँ पर जो है बहुत मज़े की होती है, और मैंने पूरे रमज़ान इन्हीं फ्रूट्स की फ्रूट चाट बना के खाई, बहुत मज़े की थी। फिर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी प्याज रखी हुई है, आलू रखे हुए हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं, टमाटर रखे हुए हैं, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मेरे पास था। मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने इस यहाँ पर जो है ये रखी हुई आपकी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ से मैंने ली कैबेज और मैंने ली हरी प्याज, और जो है क्योंकि मुझे बनाना था चाइनीज़ तो मैंने जो है इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें आई थी, बाकी मैं चीज़ें ले चुकी थी। ये रहे यहाँ के बनाना। बनाना बहुत मज़े के होते हैं यहाँ पर। बनाना का ये हिसाब है कि आपको ये मिलेंगे, पूरा बंच का हिसाब नहीं है, इस ये भी इसका वेट होता है, तो ये पर पाउंड आपको 62 सेंट के पड़ते हैं। बनाना जो है मेरे फेवरेट हैं और मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं। अब चले आगे मेरे साथ, मैंने जो और चीज़ें लेनी थी इसके बाद मैंने ली कैबेज। इस कैबेजेस में बहुत डिफरेंट साइज़ थे, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन से साइज़ की लूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ले लो तो फिर वो जो है हमारे इस्तेमाल में नहीं आ पाती मेरी जो है, मैं इसलिए नॉर्मल साइज़ की लेती हूँ, तो फिर मैंने ले ली। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लेनी थी, कैरेट। कैरेट के भी यहाँ पर डिफरेंट साइज़ रखे हुए थे, डिफरेंट शेप्स रखे हुए थे, बड़ी भी होती हैं, बहुत छोटी भी होती हैं, दरमियानी भी होती हैं, मुझे दरमियानी चाहिए थी तो मैंने वो ली। उसके बाद अब मैं आगे जा रही हूँ सबसे कोने में अपने फेवरेट एरिया में, जहाँ पे मुझे मिलती हैं बेरीज। मेरी फेवरेट बेरीज ब्लैक बेरी एंड ब्लू बेरी, क्रैनबेरी भी है लेकिन वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो मैं ब्लू बेरी और ब्लैक बेरी ही लेती हूँ। अब हम जा रहे हैं अपना क्लीनिंग आइटम लेने, आप मेरे साथ रहिए और देखें कि जो है हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं पहुंच गई हूँ अपने उस एरिया में जहाँ पर मुझे लेना था अपना डिश वॉशिंग का सामान, और मुझे आ गया है वो नज़र। अब मैं लूँगी, ये है मेरा फेवरेट। वैसे तो अब मेरी हर चीज़ यहाँ पे फेवरेट हो गई है, 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं, तो जो चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी वही मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये है कपड़े धोने का आपका, ये भी जो है अच्छा है, बहुत सारे हैं लेकिन मुझे यही पसंद आया। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, अब हम आ गए हैं यहाँ पर अपना सामान का बिल बनवाने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आपका दिल बहलाने के लिए रखी हुई है, ताकि आप एंड टाइम पे अपनी पसंद की चीज़ें, जो कि मेरी पसंद की बहुत हैं, ले सकते हैं और आपका बिल जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन हमने अपने दिल को मारा, और क्योंकि हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुके हैं, तो अब हम सिर्फ अपने ही सामान का बिल बनवाएंगे। और आप देख सकते हैं कि पहले हमने सामान यहाँ रखा, ये चीज़ तो खैर पाकिस्तान में भी होती है, आप लोग जाते हैं तो इसी तरीके से करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से थोड़ा जो है सिस्टम आपका अच्छा है, तो आप आराम से करा लेते हैं सारी चीज़ें। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के सामान इसमें रखा, और फिर हमने अपना जो है बिल बनवाया। ये स्ट्रॉबेरी तो रख लें जी, ये स्ट्रॉबेरी रख ली हमने, अब जो है बिल बनेगा। बल्कि बिल अभी नहीं बनना था, क्योंकि बिल बनाने वाली खातून जो है उन्हें किसी काम से जाना था, उन्होंने कहा आप हमारा 2-3 मिनट वेट करें। इतने में नज़र आ गया हमें ये लॉटरी का जो है बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप लॉटरी सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी चाहिए, और कैश डाल के आप अपनी पसंद की लॉटरी निकाल सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से तकरीबन 4 लॉटरीज़ ख़रीदी, और जो है फिर हमने दुआ मांगी कि हमारी लॉटरी निकल आए। अब हम चेक करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारी लॉटरी निकली है या नहीं निकली है। मैंने ली पावर बॉल, और कौन सी ली थी, मैंने ली थी सुपर लॉटो, 2 मैंने ली सुपर लॉटो। तो अब मैं इनके डेज़ होते हैं, आपने चेक करनी होती है, सैटरडे निकलती है, वेनसडे निकलती है, मंडे निकलती है, तो जिस दिन ये बन रहा है मेरा बिल। ओके ओके, देख सकते हैं यहाँ पर 1 बैग 1 प्लीज। Thank you.
जी भाई क्या हो रहा है? ऐसा हो गई ग्रोसरी, अब वो है हमारा डॉलर ट्री, वहाँ से बस मुझे वो लेना है बेकिंग पेपर, बेकिंग शीट, ओके। क्योंकि मुझे आज अपने एयरटेल को फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं यूज करूँगी ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए अपना बेकिंग शीट, तो वो वहीं से मिलेगी और मुझे यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें डॉलर ट्री में मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं वहाँ पर चेक करती हूँ, मिलकर तो ठीक है, वरना फिर उन्हीं से बोलूँगी वो ला के दें। अच्छा चलो, मेरे साथ रहें। तो जनाब, अब हम आ गए हैं डॉलर ट्री अपने आज के दिन के तीसरे स्टोर में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, शाम हो गई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिन में मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, रात में एकदम से सर्दी हो जाती है। ये रहा हमारा डॉलर ट्री और ये रहा मेरा डॉलर जो मेरे आगे आगे चल रहा है। अच्छा, तो अब आप इस डॉलर ट्री का विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हर चीज़ मिल जाती है तकरीबन जो आपको घर के नॉर्मल रूटीन के लिए चाहिए होती हैं, और काफ़ी चीप प्राइसेस में मिल जाती हैं। वैसे तो मुझे सिर्फ बेकिंग शीट चाहिए थी, लेकिन मुझे नज़र आ गए यहाँ पर अपने स्टोरेज बैग्स, जिसकी मुझे अक्सर बेशतर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने जल्दी से वो भी ले लिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा सामान नज़र आ रहा है, ये मिल गए हमें बेकिंग शीट्स, तो मैंने एक ली अपने लिए और एक ली अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरी तरह एयर फ्रायर लिया है मेरे साथ ही। ओके जनाब, फिर अब हम चलेंगे आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते में अच्छा सामान मिल जाता है, ये आपको यहाँ पर आपकी शीट्स मिल जाएंगी, ये जो मैं इस बार सिर्फ नहीं ले रही, नेक्स्ट टाइम मैं आके लूँगी ज़रूर। और आप देख सकते हैं वापस काउंटर पे आपको चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं, ये लोग स्पेशली काउंटर्स पे चॉकलेट रखते हैं ताकि लोग जो हैं काउंटर पे आते आते चॉकलेट्स लें और उनका बिल बढ़ जाए। अब ये जनाब जो है इन्होंने मेरा बिल बनाया है और आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बिल बना है, चार चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती में पड़ गई। ओके गाइस, अब हम अपने घर पहुंच गए, चलें अनलॉक कर दें गाड़ी, ट्रंक को सामान निकाल दें। अच्छा ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा ओह, ये सारा सामान लेके जाना है अंदर। ओके चलें, बस आपका साथ और हमारा साथ यहीं तक, ये मैं और मेरे हस्बैंड इस सामान को अंदर पहुंचाएंगे। यहाँ हमारा घर है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।